हेलो नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। और आज हम बनाते हैं एक फ्राइड राइस जो ही बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस शेयर भी कर देना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये है अंडा, अंडे को फोड़ करके उसके बाद अच्छे से फेंट लेना है बिल्कुल ऑमलेट के तरीके से। और फिर हमने लिया है नॉन स्टिक पेन में हमने तेल डाला और इसको सेट कर लिया है। पहले इसको हम सेट किए हैं, उसके बाद अब इसको अच्छे से क्लीन करके फिर थोड़ा सा तेल डाल के पूरे नॉन स्टिक पेन में अच्छे से लगा देते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑमलेट। तो अब हमने अंडे को डाल दिया है और इसको अच्छे से इस पर ये थोड़ा सा तेल डालना है ताकि चिपकने ना पाए। लेकिन इसे हमें एक फ्राइड राइस में यूज़ करना है, तो बस जैसे भी होना है क्योंकि ऑमलेट तो बनाना नहीं है, इसे हमें बाद में फिर से कट ही करना है। तो बस पका लेना है अच्छे से। उसके बाद जब ये पक जाएगा तो हमें क्या करना है, इसे अलग निकाल करके फिर हमें इसे कट कर लेना होगा बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में। देखिए ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी तरीके से पकाना क्योंकि ये राइस में पड़ेगा। अभी हमें इसे गोल कर लेना है, मतलब हाँ ऐसे गोल करके अभी हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें बताने से समझ में आएंगी लेकिन बाकी चीज़ें आपको देखना भी पड़ेगा। अभी हमने क्या किया है, कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को अच्छे से सेट करना है जैसे कि मैं आप देख रहे हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ना शेफ़ वाली स्टाइल में थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अभी अंडा बिल्कुल कट गया है और कढ़ाई हमारी सेट हो गई है। अब हमने थोड़ा सा 2 चम्मच तेल लिया है और ये बहुत सारा प्याज है, 1 प्याज पूरा का पूरा कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा गाजर विंस, और ये हमने डाल करके इसे सौते करना है बिल्कुल इसी तरीके से। अभी ये सौते हो गया है तो क्या करना है कि राइस लेना है और राइस को इसमें डाल देना है। राइस हमने पहले से गर्म कर लिया है, हल्का सा बॉईल करके रखते हैं। नमक स्वाद अनुसार जैसा आपको पसंद हो। अजीनोमोटो पिसा हुआ डालना है क्योंकि खड़ा डालेंगे तो अच्छे से मिल्ट नहीं होगा। वाइट पेपर 1/2 चम्मच और चिल्ली सॉस 1/2 चम्मच, विनेगर 1/2 चम्मच, और ये थोड़ा सा मैंने डाला है सोया सॉस हल्का सा। और ये हमने जो अंडा हमने कट किया था जो भी किया था उसको अच्छे से इसमें डाल के खूब अच्छे से मिला देना है। और थोड़ा सा स्टाइल भी दिखाएं शेफ वाला, यू ये वाला क्या है। अब ये रेडी हो गया, ठीक है। तो अब जब ये रेडी हो गया तो इसे हमें सर्व करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर देना है। और चाहे तो आप कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बेहतर बनाता हूँ लेकिन आप सब लोग जगह जगह पर खाते हैं तो और भी बेहतर बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।